झंडा मना रहे हैं। 6 फरवरी 2018 और मंगलवार का दिन है। क्या आपकी संतान और आपके बीच में दूरियां बढ़ती जा रही है? क्या जीवन में पारिवारिक सुख की कमी है या दाम्पत्य सुख मिल ही नहीं रहा है? दाम्पत्य सुख में कमी, हमेशा दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि अनहोनी घटनाओं ने आपको जकड़ लिया है। छोटे बच्चों के दांत निकलने में प्रॉब्लम, इन संपूर्ण समस्याओं का समाधान है आज का गुरु मंत्र नमः है। जी हिंदुस्तान की सभी दर्शकों को हृदय से पुनः एक बार दाती महाराज का नमो नारा है। विषय पर आऊं उससे पहले मेरा संदेश, संपूर्ण राष्ट्र को शनि मावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 17 मार्च 2018 शनि मावस्या महोत्सव, श्री शनि धाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। मेरी आराध्य का बहुत बड़ा दिन है मित्रों, 17 मार्च शनि अमावस्या, अद्भुत दिन है। खाली दर्शन करने मात्र से जीवन की संपूर्ण परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। और मेरा निवेदन कि शनि अमावस्या के इस पावन पर्व पर दिल्ली और एनसीआर के सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मेट्रो रेल का प्रयोग, दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से शनिधाम आने और पुनः वापस छोड़ने के लिए निःशुल्क वातानुकूलित बस सुविधा है। और ये बस सुविधा केआर मंगलम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ग्रुप वालों ने की है। स्वागत है श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असुला फतेहपुर मेरी नमो नारायण। मेरे मित्रों ने मुझसे सवाल किया कि दाती महाराज, मेरी और मेरी संतान के बीच में दूरियां बढ़ गई हैं, वार्तालाप बंद होती जा रही है, संतान मेरे से दूर जाने की कोशिश करी, घर छोड़ने का कोशिश करी, घर में उसका मन नहीं लग रहा है, मेरे और संतान के बीच में वैचारिक मतभेद ज्यादा होते जा रहे हैं, क्या करें? अपने अहंकार पे काबू करें। आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जिस तरह का अति आधुनिक जमाना चल रहा है, संतान को समझना बहुत जरूरी है। छोटा सा उपाय, प्रत्येक शनिवार को अपने बच्चे के हाथ से श्रद्धानुसार उड़द की दाल सफाई कर्मचारी को दान दीजिए। ऐसा 11, 21 या 40 शनिवार दीजिएगा, शनि भगवान की कृपा से आपकी संतान में अनुकूलता आएगी। ऐसा मेरा कहना मानो न मानो आपकी मर्जी। अब बात करते हैं मंगलवार के पंचांग की। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी, विक्रम संवत 2074, मंगलवार का प्रातकालीन नक्षत्र चित्रा नक्षत्र चंद्रमा तुला राशि। अब मैं बात उनकी करता हूं जिनका आज जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह। 6 फरवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो दाती महाराज की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 6 फरवरी आपका जन्मदिन और निजगत कर्मों की वजह से आपको जीवन में पारिवारिक सुख में कमी आ रही, दाम्पत्य सुख में कमी आ रही, संतान पक्ष कमजोर है, आपकी संतान को सफलता नहीं मिल रही, कैरियर में उठापटक है, रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो रहे और पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ रहा हूं, जीवन में दो बातों का विशेष ध्यान रखें। महादेव की आराधना करने से इन संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जल गंगा जल कच्चा दूध मिश्री मिलाकर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते मीठे दूध से अभिषेक करिएगा सारे कष्ट। एक बात और, पर यह उपाय बड़ा कल्याणकारी रहेगा, और ये जरूर करिएगा, हर शुक्रवार को श्रद्धानुसार देसी घी किसी मंदिर में दान देने से भी, किसी गरीब को दान देने से भी जीवन में परेशानियों से मुक्ति मिलेगी नमो नारायण। अगला कदम सितारों की ओर, और इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं ग्रह नक्षत्रों की दुनिया में। हमें क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र आपके लिए, मैं बात करूंगा मंगलवार के राशिफल की। और सबसे पहले मेष राशि, मेष राशि ग्रह गोचर की शुभ दृष्टि, दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता बनी रहेगी, घर और परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, क्या कर थोड़ा सा सरकारी अधिकारियों को साथ लेके चलेंगे तो कष्ट कम आएगा, क्या ना करें किसी से भी शत्रुता ना करें नमो नारायण। तो बात करते हैं वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों
संपूर्ण ग्रह नक्षत्र संकेत देने के काम बनेंगे कि मनोकामना को पूर्ण करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। राजनीति के क्षेत्र में पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। क्या करें, जो नई जिम्मेदारियां आपके सामने आ रही है दृढ़ निश्चय के साथ इन्हें स्वीकार करें। क्या ना करें, दूसरों के कार्यों में रुकावट न डालें, न मनाएं। और बात करते हैं मिथुन राशि वालों, गोचर थोड़ा सा मध्यम है। विचारों में संतुलन रखना बहुत जरूरी, संयम और धैर्य से निर्णय लें। दावत के अवसर मिले, इष्ट मित्रों से मेलजोल मिलेगा, कारोबारी यात्रा अनुकूल होगी, परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। क्या करें, कार्य क्षेत्र में मन लगाकर अपनों को साथ लेकर लगे रहे तो मुझे नहीं लगता कि आज किसी परेशानी का ज्यादा सामना करना पड़ेगा। क्या ना करें, नए कार्य में जल्दबाजी ना करें, ना मना। मैं इस वृषभ मिथुन की बात करें, करक सिंह कन्या की बात करूं, उससे पहले मंगलवार का राहुकाल और मंगलवार की यात्रा। मंगलवार का राहुकाल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, और राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं जाता है। सलाह मेरी और मर्जी आपकी। बात करते हैं आज की यात्रा की। आज पश्चिम दिशा की यात्रा, कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय। मेरा कहना है कि समय और साधनों में बहुत परिवर्तन आया। मंगलवार दिन आज चुटकी सिंदूर ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पित कर गुड़ का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कर्म आएगा, न मना रहे। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि, अपनों का सहयोग नहीं मिल पाएगा, कार्य क्षेत्र में बाधा उत्पन्न होगी, धन का अपव्यय है, यात्रा में कष्ट है और आज कारोबारी यात्रा नुकसानदायक है। क्या करें, कार्य संबंधी गोपनीयता बना के रखें। क्या ना करें, जीवन साथी से मतभेद न रखें, न मना रहे। और बात करते हैं सिंह राशि वालों, ये आर्थिक परिस्थिति में सुधार होगा, जो आपने सोचा वो पूरा होगा, विचारे में महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे, पारिवारिक स्थिति उत्तम रहेगी और स्वजनों का सहयोग मिलेगा और धन लाभ होगा। क्या करें, आप चाहते हो कि सारा दिन खुशियों से बीते तो जो पुराने मित्र हैं उनसे मेलजोल बढ़ाइए, उनसे आपकी परेशानियों से मुक्ति मिले। क्या ना करें, अपनों से झूठ ना बोले, नमन। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों, ग्रह गोचर थोड़ा सा मध्यम है, संयम और निर्णय से कार्य करना बहुत जरूरी। जिस तरह के घर योगायोग है बहुत जरूरी, अपनी महत्वाकांक्षाओं पर काबू रखें, अपनी उच्च आकांक्षाओं को नियंत्रण रखें। आज कारोबारी नदोबदल न करें, आय और व्यय को संतुलन बनाकर चलें। क्या करें, क्षेत्र कारोबार का हो चाहे शिक्षा का हो चाहे परिवार का, प्रयासों में सकारात्मक सोच होनी चाहिए, न मना। क्या ना करें, शत्रु को कमजोर न समझें, न मना। करक सिंह कन्या की बात करें, तुला वर्षिक धनु की बात करूं, उससे पहले वास्तु सलाह राज का सुझाव। वास्तु सलाह, यदि आप चाहते हैं कि व्यवसाय में वृद्धि हो तो मैंने बुजुर्गों से सुना है, विद्वानों से सुना है कि दक्षिण दीवार पर सुंदर घोड़े का चित्र लगाइए। व्यवसाय की दक्षिण दीवार पर सुंदर घोड़े का चित्र लगाइए, इसी व्यवसाय में निस्संदेह सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे, ऐसा वास्तुशास्त्र कहता। जरा देख लेना भाई, नमन। और बात करते हैं सुझाव की। यदि कर्जों से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, आज के दिन स्वच्छ पात्र में श्रद्धानुसार गुरु रखकर चमोका घी का दीपक जलाएं। ओम गंग ऋण हर्ताय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। तत्पश्चात ये गुड़ गरीब कन्याओं में बांट दीजिएगा, कष्ट कम आएगा, नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों, सितारों की बात कर रहा हूं, गणनाओं की बात कर रहा हूं, और गणनाएं ये संकेत देरी के कार्य बनेंगे और परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। कारोबार के क्षेत्र में भाग्य उदय होगा, लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। क्या करें, कार्य क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। यदि कोई नई टेक्नोलॉजी है, नई सोच है तो उसे अपनाना कोई गुनाह नहीं है। क्या ना करें, कार्य संबंधी गोपनीयता भंग ना करें, ना मना रहे। और बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों, गणनाओं की बात कर रहा हूं, और भयभीत नहीं हूं ना मेरे मित्र, डराने नहीं आता हूं, संकेत देने आ रहा हूं, फिर मैं हूं ना आपके साथ हर परेशानी का समाधान लेकर। बहुत जरूरी अपने क्रोध पे काबू करना, बहुत जरूरी वाद विवाद पर अंकुश रखना, बहुत जरूरी तर्क और वितर्क से दूर रहना। यदि आप तर्क और वितर्क से दूर रहे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो खर्चों में अधिकता बनी रहे। कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों का सहयोग मिलना मुश्किल होगा, यात्रा में कष्ट है, और कार्यशैली में थोड़ा सा एग्रेसिव रहे तो अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़े, नमूना रहे। क्या करें,
कार्य क्षेत्र पर पूर्ण नजर रखें। क्या ना करें तो जीवन साथी से तकरार ना करें। नमन और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों, भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। सितारे ये कह रहे कि सफलता दामन चूमेगी। सितारों का संकेत ये भी है कि देश विदेश से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, सोचा हुआ कार्य पूर्ण होगा। क्या करें? पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करें। क्या ना करें? मित्रों से धोखा ना करें। नमोना है तुला वृश्चिक धनु की बात करें, मकर कुंभ मीन की बात करूं। उससे पहले आज का उपाय और आज का नुस्खा। आज का उपाय, कुछ लोगों ने मुझसे कहा दाती महाराज, संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी मनोकामनाएं हमेशा अधूरी रह जाती, मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं हुई, क्या करें? देखो भाई, प्रजापिता ब्रह्मा हूं नहीं और हथेली में सरजूर नहीं उगाता हूं। संतों से सुना, देवताओं से सुना, महात्माओं से सुना, कोई बात आपके सामने रखा। यदि प्रयासों के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही, मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं हो रही है, तो किसी माँ के शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार दिन हनुमान जी के मंदिर में सात नींबू सात लौंग सात चुटकी सिंदूर, सात नींबू सात लौंग सात चुटकी सिंदूर, अपने उसे सात बार उतार हनुमान जी से जन्म अर्पित कर दी, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई और वहीं शुद्ध आसन पर बैठे सात पांच संकट मोचन हनुमान अष्ट कर। पूजा के उपरांत एक नींबू एक लौंग अपने साथ लेके आ जाए और लाल कपड़े में लपेट कर अपने पास रख। हर मंगलवार को पहले वाले परवाह कर दीजिए और नया लेके आ जाए। संपूर्ण परेशानियों से छुटकारा मिलेगा और मनोकामना की पूर्ति होगी। नमन हरे। और बात करते हैं आज के नुस्खे। नुस्खे मेरे जीवन भर के अनुभव है, लेकिन कहीं भी डॉक्टरी इलाज में आप लापरवाही नहीं करें। यदि छोटे बच्चे, उनको दांत निकलने में तकलीफ है और दांत निकलते समय अनावश्यक परेशानियां हो रही, तो थोड़ा सा आंवला, थोड़ा सा कच्ची हल्दी, कच्चे आंवले का रस कच्ची हल्दी में मिला, इसलिए उस रस को मसूड़े पर धीरे धीरे मलिए। आप कुछ दिन करके देखेगा, बच्चों को दर्द कम आएगा और दांत बड़ी जल्दी से निकल जाएंगे। नमन बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, गणनाओं का संकेत ये मिल रहा है कि आज मन प्रसन्नित और प्रफुल्लित रहेगा और मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। जो मायूसियां है, जो उदासी है, जो खेद है, उस वातावरण से मुक्ति मिलेगी और महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, साहस और उत्साह बढ़ेगा। आर्थिक लाभ से मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी। मना रहे क्या करें? उच्च अधिकारियों से थोड़ा सा मेलजोल बढ़ाए। क्या ना करें? स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें। नमन और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, गोचर मध्यम है, परिश्रम का फल प्राप्त होगा, लेकिन लाभ प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि मध्यम गोचर में संयम चाहिए, धैर्य चाहिए और परिश्रम चाहिए, लेकिन घरेलू जरूरतों की पूर्ति होगी, पारिवारिक समस्या का समाधान मिलेगा। बस प्रत्येक कार्य को सोच विचार के करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। दूसरों की बातों में आने से बचना भी मना नुकसान भी हो सकता है। क्या करें? माता पिता की आज्ञा का पालन करें। क्या ना करें? स्वजनों के हित की अनदेखी ना करें। नमन हरे। बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, राशि अधिपति बृहस्पति और गणनाएं ये संकेत है कि भाग्य का सितारा आज आपके पक्ष में करवट नहीं देता है। ग्रहगोचर की प्रतिकूलता से मानसिक तनाव और परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। मीन राशि, भयभीत नहीं होना भाई, मैं संकेत दे रहा हूं। कोई व्यक्तिगत समस्या मन को व्यतीत कर सके, स्वास्थ्य को ढीला रहेगा। अपनों से व्यवहार करते समय सावधानी अपेक्षित है। कार्य क्षेत्र में कोई विशेष आश्वासन प्राप्त नहीं होगा। धन को लेकर, अपनों को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर उचित संकेत नहीं मिले, लेकिन डरे नहीं, छोटा सा उपाय, पका हुआ पपीता। गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में दीजिएगा, कष्ट कम आएगा। न मना रहे क्या करें? बहुत जरूरी आज उन लोगों के साथ बैठना जो वास्तव में आपके अपने हैं। कई बार आप अपने और पराए की पहचान नहीं कर पाए। अपने को पहचानिए और अपनों को पहचान कर उनकी बात मानिएगा, कष्ट कम आए। क्या ना करें? व्यवसायिक खरीदारी आज ना करें। न मना रहे। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल, जो नक्षत्रों पर आधारित था। पुनः मेरा निवेदन, ये मेरे विचार है, लादने का स्वभाव नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आपके पास रहे। आपके घर में हमेशा आपको दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता, अनहोनी घटनाएं घट रही हो, घर में कलह रहता हो और प्रयासों के बावजूद भी आप इन घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हो, आज मंगलवार का दिन, आज हनुमान जी की पूजा करो। आज के दिन नित्य कर्म में स्नान उपरांत
प्रातःकाल 4 बजे लाल वस्त्र धारण करें। सरदारपुर हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी का पंचमचार पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए। चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। मिट्टी के दीपक में चमेली का तेल भर दीपक प्रज्वलित करिए। शुद्ध आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला ओम वायु पुत्राय नमः इस मंत्र के साथ माला जाप करें। जाप के उपरांत हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं और ये भोग गरीबों में बांट दें। संपूर्ण दुर्घटना और परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। नमनान। और बात करते हैं आज के जीवन में। इस दुनिया में सम्मान के साथ जीने के लिए सबसे बड़ा तरीका यह है कि हम वे बने जो हम होने का दिखावा करते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये अद्भुत सूत्र है। हम वो बने जो हम होने का दिखावा करते हैं, दुनिया आपके कदमों में रहे। अब समय है प्रभु के दर्शनों का और दर्शनों के लिए चलते हैं दाती धाम। नमो नारायण। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्चरम। नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु दर्शन किया। प्रभु आपका कल्याण करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। शनि भगवान के सिर चरणों में मेरी प्रार्थना। गुरु मंत्र में आज इतना ही। पुनः गुरु पत्र में कल। जन्मदिन की शुभकामनाएं। जन्मदिन का उपाय बुधवार का राशिफल। जीवन में यदि बाधाएं हैं, रुकावट है कामों में, उन बाधाओं और रुकावट से कैसे मुक्ति मिले, भगवान गणपति को प्रसन्न करने का पूछा और मंत्र। जीवन मंत्र सुझाव देसी नुस्खे उपाय वास्तु सलाह लेके आऊंगा, लेकिन आज अपनी गलती अपने गुनाह अपनी भूल की माफी मांगते हुए अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूं। नमो नारायण। नमो नारायण।